राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, विवाद हो गया है। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग भी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ठाकुरगंज थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। ठाकुरगंज थाना प्रभारी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मनोज मिश्रा नाम के युवक ने अपने भाई बहन पर गोली चलाई है। विवाद सुबह पार्किंग को लेकर बताया जा रहा है। वह ये है कि हम तो नहा के मंदिर से पूजा वूजा करके आए थे, यहाँ ताप रहे थे बैठे अंदर, तो उस यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। यहाँ पे इनका गेट वहाँ है, देखिए। या गाड़ी मोड़ने लगे तो कहीं गाड़ी हटाओ, तो गाड़ी हमेशा इसीलिए चले जाते, कभी इन्होंने नहीं कहा। गाड़ी जबकि साइड में थी, गाड़ी पुलिस वाले लेके गए थाने पे, मेरी दो गाड़ियाँ लेके गए हैं, तो यही गाड़ी हटाने वटाने के चक्कर में इन्होंने गाली बकने चालू कर दी। कहने लगे कि वहाँ छोड़ देंगे, ये है वो है, और अभी हटा लो गाड़ी ने गोली मार देंगे, अभी हटा लो गाड़ी ने तो गोली मार देंगे। हम लोग क्या जाने की तमंचा उठा लेंगे, ये दूसरा चक्कर है, एक बार और हो चुका है। तो राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कौन घायल हुआ है, कौन नहीं हुआ है, इन तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रोहित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रोहित, राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में ये गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, तस्वीरों में ही हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से गोलियां चलाई जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है और कौन इसमें हताहत हुआ है, पुलिस की छानबीन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? रोहित जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से, क्योंकि राजधानी लखनऊ का मामला, राजधानी लखनऊ के ठाकुर इलाके में सुबह शुक्रवार की सुबह का मामला था, दो पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरह से मनोज मिश्रा जिसने गोली चलाई और उसमें जो घायल हुए हैं, जो मैं जो भाई बहन है मानसी और मोनू, ये लोग घायल हो गए हैं और इनको जो है इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। कहीं ना कहीं हालत की अगर बात की जाए तो हालत अभी नाजुक बताई जा रही, लेकिन जिस तरह से क्योंकि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ, उसको लेकर के ये मामला काफी बड़ा हो गया और उसको लेकर के जिस तरह से मनोज मिश्रा जो शख्स है उसने गोली चलाई और उसके बाद जो भाई बहन है उनको गोली भी लगी और उसके बाद वो घायल हो गए और जो 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 पीड़ित है उन्होंने उनका भी साफ कहना था कि उनको भी उनके साथ भी जो है मारपीट की गई थी। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का इस मामले को लेकर क्या कहना है? दिन दहाड़े इस प्रकार की गोलियां चलाई जा रही है, क्षेत्र में हड़कंप है और कहीं ना कहीं पुलिस की जो टीम है उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े गोली चलाना ये अब आम बात हो चुकी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से क्योंकि दिन दहाड़े जो गोली चली है उसके बाद लेकर के जो स्थानीय थाना पुलिस है, ठाकुरगंज थाना पुलिस और तमाम जितने भी आला कमान पुलिस अधिकारी वो मौके पर भी आते हैं और की घटना होती है, क्योंकि ये दोनों पक्षों में जो गाड़ी खड़ी करने का इससे पहले भी इनके बीच में विवाद हो चुका था, उसको लेकर के शिकायत भी जो है जो पीड़ित जो परिवार है उन्होंने भी लिखित में जो है शिकायत भी दे रखी थी पहले भी, लेकिन जिस तरह से कल खुलेआम जो गोली चलना वो अपने आप में सवाल खड़ा करता कि आखिरकार की पुलिस की जो सवाले निशान भी खड़ा होता है और साथ ही साथ की क्या राजधानी लखनऊ में खुलेआम लोग गोली चला सकते हैं, इस पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, पुलिस के लिए भी है और लेकिन तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जो घायल होते हैं जो भाई बहन है मानसी और मोनू, उन दोनों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर, राजधानी लखनऊ का ट्रामा सेंटर है, वहां पर उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका बहुत शुक्रिया। तो एक खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर गाड़ी खड़ी करने जैसी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, गोलियां चल गई, हालांकि कुछ लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की सभी एंगलों से जांच और पड़ताल कर रही है।